पहले हम लोग पूरी प्रक्रिया करके गए थे साल भर पहले, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2024 में थोड़ा सा काम धंधे में भी काफी दिक्कत आई, फैक्ट्री वगैरह चल रही थी लोहे लकड़ी की, वो बंद हो गई इसलिए कि आपको एक दिवसीय पुण्य की आवश्यकता थी, और वाइफ की पुण्य की तबीयत। आवश्यकता थी, सब असाध्य रोग थे, तो आज आपने वो किया है, आज आपने किया, इसलिए सब आनंद में बिना कष्ट के खड़े। तो जिस समय जिस चीज की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर कष्ट बने रहते हैं। आज आप कर पाए तो सब गंदगी गई, तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियां नष्ट होंगी। इसमें गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, हम लोग दिल्ली से आए हैं, डीएनए में 5 जन हैं। पहले हम लोग पूरी प्रक्रिया करके गए थे साल भर पहले, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2024 में थोड़ा सा काम धंधे में भी काफी दिक्कत आई, फैक्ट्री वगैरह चल रही थी लोहे लकड़ की, वो बंद हो गई। इसलिए कि आपको एक दिवसीय पुण्य की आवश्यकता थी और वाइफ की पुण्य की तबीयत। आवश्यकता थी, सब असाध्य रोग थे, तो आज आपने वो किया है, आज आपने किया, इसलिए सब आनंद में बिना कष्ट के खड़े। तो जिस समय जिस चीज की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर कष्ट बने रहते हैं। आज आप कर पाए तो सब गंदगी गई, तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियां नष्ट होंगी। इसमें देखिए, आप सब पुरुष शरीरों में क्या क्या कष्ट थे जो नष्ट हो। मस्तिष्क में सूजन, आंखों में धुंधलापन, गंदे व कामुक विचार आते थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन था, कंधों में जकड़न व दर्द की स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, रूमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, लकवे की स्मृतियाँ थी, शरीर में जल तत्व बढ़ाने वाली ये स्मृतियाँ थी, ब्रेन में घाव बन रहा था, आत्मविश्वास गिराने वाली ये स्मृतियाँ थी, किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होती थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट, कैंसर की स्मृतियाँ थी, फेफड़ों में, लीवर में, किडनी में, कोलोन में, रक्त में और मुंह में। ऐसे तमाम सब पुरुषों में कष्ट आते थे, बुद्धि बंधी, जकड़ी हुई, सब अच्छे, अब कोई कष्ट नहीं, सबकी बुद्धि खुली हुई, सब नशा कराने वाली स्मृतियाँ, सब गंदा गंदा कराने वाली स्मृतियाँ, सब नष्ट हो गई। खुश रहिए, प्रसन्न। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश गुरु जी, मतलब जो भी काम करने के लिए सोचता था या पढ़ाई करता था ना, तो वो नेगेटिव पॉइंट पहले ज्यादा नहीं काम करती थी बेटा, बुद्धि नहीं काम करती थी, और कुछ काम होता बुद्धि जकड़ी हुई थी, प्लान्ड होता था बट वो होता ही नहीं था बिल्कुल, ऐसे बुद्धि जकड़ी हुई थी, देख रहे, ऐसे जकड़ हुई। अब सब खुली बुद्धि, एकदम फर्स्ट क्लास है, हल्का फुल्का, सब अच्छा अच्छा, सब आत्मविश्वास जो गिर गया था, खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, अब लग रहा है कि अपना सब काम अच्छे से कर पाएंगे, प्रेम से कर पाएंगे और सफल होंगे। आपको एक कष्ट तो शेष नहीं, बाकी तो नहीं कोई कष्ट? नहीं गुरु जी, खूब खुश हो। नमस्कार गुरु जी, स्वस्थ। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, ये सब देखिए आपके कष्ट, सासु माँ के कष्ट, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, चिड़चिड़ापन बना रहता था, सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहता था, गर्भाशय में घाव व इन्फेक्शन था, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, घुटनों में चुभन होती थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियाँ थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कुलों में पस बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाता था, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में, भोजन नली में, किडनी में, कॉमन बाइल डक्ट में, गुदा द्वार में और ओवरी में। ऐसे तमाम कष्ट थे बेटा आप में, माता जी में, सभी नष्ट हुए, कोई कष्ट शेष नहीं, एकदम अच्छे। आप पति पत्नी जरा एक दूसरे की हथेली पकड़े, बहुत कष्ट थे आप, आंखें बंद और एक दूसरे को ध्यान से देखें, अंदर ही अंदर मन ही मन एक दूसरे को देखने की कोशिश करें, अंदर ही अंदर अपने एकांत के क्षणों में जाएं। प्रवेश,
एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियाँ भर दिया, सक्रिय कर दिया, सबसे आगे पीछे रहेंगे सक्रिय शुद्ध। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने अपने बंधन खींचे तीन बार, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। एक दूसरे को देखिए कैसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा लग रहा है, खूब खुश है। गुरु जी पूछनी थी कि हमसे गलती कहाँ हो गई कि जो हमें इतने कष्ट हो गए, क्योंकि सब कुछ करवा के गए थे, बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से मतलब इतनी तबीयत। अभी मैंने क्या बोला बेटा, असाध्य रोगों के लिए वो नौवन नहीं जी, सिर्फ पितृ मुक्ति के लिए, पितृ स्मृतियों से मुक्ति के लिए, उनके रोगों से कष्टों से मुक्ति के लिए एक दिवसीय अनुष्ठान की ही आवश्यकता है जी। जो आपने अब किया है इसलिए कोई भी कष्ट शेष नहीं। बेटी बिना कष्टों के आप खड़े हो, बेटी इतना परेशान करती है, हम संकल्प ही नहीं ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सब रोग कष्ट है बेटा, और उस वजह से लगता है कि कुछ चीजें ठीक ही नहीं हो पा रही है। अब सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छे बने रहो हमेशा। कल एक महावन करना दरबार की ओर से जो निशुल्क है, आप दोनों पति पत्नी उसमें रहेंगे और वो बच्ची रहेगी, ठीक है, खुश। एक थैले सेमिया गुरुजी बताएं मुझे, डॉक्टर वगैरह कम हम बेटा बात करते हैं। हाँ, हमने उसका टेस्ट ही नहीं कराया, उसके बाद एक बार बता, हम लोग अपने में बात करते हैं, इसीलिए कुछ कष्ट है उसमें, इसीलिए बोला गया है। दरबार दिखा रहा है कि आप पति पत्नी और बच्ची तीनों लोग आप इस महावन के पुण्य में रहेंगे, क्योंकि असाध्य रोग है उसको, ठीक है, खुश हो, खुश हो। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, उठ बैठ के चेक करिए, आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन चुकी, फर्स्ट क्लास। मैं तो ऐसे बन गई, देखो परेशान रहती हूं, ऐसे जाप करने बैठती हूं तो घबराहट होने लगता है। अब नहीं होगी, दिन भर जाप करो, अब खूब जाप करो, दिन भर जाप करो, रात भर जाप करो, अब 24 घंटे जाप करो, अब घबराहट नहीं होगी, एकदम बेचैनी। देखिए कैसा बन गया था, रीढ़ का हड्डी, कूल्हा, कमर, घुटना सब, उठ बैठ के चेक करिए, बैठिए उठिए, हाँ जैसे बच्चा होता है 5 साल का ऐसे बन गई है, फर्स्ट क्लास, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।